मैं फिर कह रहा हूँ, प्रदेश के किसी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो हमें बैंक की एनओसी दिखा दो, मैं 2 लाख रुपए जरूर दे दूंगा। ये कहना है प्रदेश के पूर्व संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। वे भोपाल में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। कोई भी किसान को अभी तक एनओसी नहीं दी गई है। कमलनाथ जी ने अपने प्रमाण पत्र बांट दिए, 2 लाख का मैसेज कर दिया कि 2 लाख आपके माफ किए, उसमें 2 लाख का कर्जा था ही नहीं, लेकिन 2 लाख के सिर्फ अपनी सूची में बताने के लिए 2 लाख के अपने फोटो के प्रमाण पत्र इन्होंने दे दिए, जो कि एक भी अनापत्ति नहीं है। मैं फिर एक बार आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इनके पास में किसी भी किसान के खाते में 2 लाख रुपया पहुंचने का सबूत हो, नोडूज हो, प्रमाण पत्र हो बैंक का, तो दिखाएं, हम 2 लाख देंगे। आप कल्पना करिए कि मैंने सेंट्रल बैंक ग्वालियर में बात की आपने व्यक्ति से कराई, मैंने कहा आपको कितने पैसे चाहिए थे बात माफ करने के लिए, उसने कहा कि 6 करोड़ रुपए मुझे चाहिए थे, आए कितने, बोले 4 लाख रुपए। 4 लाख का क्या किया, बोले जो हमारे पास में 500 से लेके 5000 तक के थे हमने पहले उनको माफ करना चालू किया। अब जहां 6 करोड़ की डिमांड होगी वहां 4 लाख में क्या होगा। मेरी आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील है, निवेदन है कि 56,000 करोड़ के लोन 3,000 में कैसे माफ होंगे ये बताएं, और उन्होंने किस किस बैंक को, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी इलाहाबाद, आईसीआईसी, एचडीएफसी, एंडरसन बैंक, इनको कितनी कितनी राशि दी है ये कम से कम जनता को तो बताएं। गलत प्रमाण पत्र और गलत बात कहकर भ्रम न फैलाएं। इसी तरह से आपने कोऑपरेटिव जो सोसाइटी सेक्टर है, जो कोई एकदम बैठ गया, उसको आपने किस अकाउंट में कितनी राशि दी है बताओ तो। 1 अप्रैल आने वाला है, किसान को खाद बीज मिलेगा ही नहीं, 1 अप्रैल से पैसा पहुंचा ही नहीं है। कर्ज माफी के नाम पर इस प्रदेश के किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा कभी नहीं हुआ जितना बड़ा धोखा वर्तमान के अंदर इस कांग्रेस की सरकार ने किया है। ना अब वो दोबारा लोन ले सकता, सोसाइटियों में तो स्थिति ये है कि जो उनका अंश पूंजी थी, जिसको धारता भी बोलते हैं, उस धारता से आधा पैसा दिया गया है और आधे पैसे की, और कोई भी लोन 90% लोन 20,000 के नीचे का माफ किया है, जो भी इनने थोड़ा बहुत किया है उसमें 90% कह रहा हूं मैं। अधिकांश लोन 5,000 से नीचे का है, 10,000 से नीचे का है। इन्होंने पोर्टल में यहां गड़बड़ी की, गुलाबी फार्म जो भरवाए वो 40,000 को 4 लाख, 50,000 को 5 लाख करके वो विवादास्पद कर दिए। एक भी गुलाबी फार्म वाले का मध्य प्रदेश के अंदर लोन माफ नहीं हुआ है, और इसलिए जो लोग तथाकथित मेरे पास कल आए थे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, उनको साधुवाद और नमन। मैं चाहूंगा कि आपके ही माध्यम से, या जैसे कल आए थे और मैंने आज नाम बताए हैं, ऐसे आकर के फिर वो मेरे द्वारा उठाए गए विषयों का जवाब भले चाहे तो वो आपके माध्यम से दे सकते हैं। दिग्विजय के हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यदि वे हिंदू हैं तो उन्हें प्रमाणित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, वह भी मुस्लिम व्यक्ति के बयानों से। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पता ही नहीं चल रहा है कि ये कांग्रेस आई है या ISI। मेरी आज तक अभी तक ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने सवाल उठाया कि वो बहुत बड़े हिंदू है। मैं हिंदू हूं तो मुझे तो प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ रही, उनको क्यों पड़ रही है, और पड़ भी रही है तो अल्पसंख्यक नेता के माध्यम से क्यों दिलवा रहे। कभी मैंने लादेन जी नहीं बोला, किसी आतंकवादी के नाम के आगे श्री और जी मैंने नहीं लगाया,
लेकिन अगर कश्मीर के अंदर हिंदू मरे उसका सबूत नहीं मांगा जाए, मुंबई बम ब्लास्ट में नहीं मरे उसका नहीं मांगा जाए, तो पाकिस्तान में अगर कोई हमला होता है जिसको पाकिस्तान की सरकार ट्वीट करके कहती है कि हमला हुआ, उसके सबूत इस देश में क्यों माने जाते हैं? कुछ लोगों के भाषण सुन लो, समझ में ही नहीं आता है कि वो कांग्रेस आई के हैं या आईएसआई के हैं। ये तो स्पष्ट करना चाहिए कि किसी को टिकट यहां मिले और पाकिस्तान में खुशियां मना ली जाए, टिकट इनको मिले किसी एक वर्ग में खुशियां हो, ये सोच का विषय होता है और शोध का विषय भी होता है। और इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कांग्रेस को, पाकिस्तान के बारे में भी, पुलवामा के बारे में भी, और बैंक के किसानों के कर्ज माफी के बारे में, जिसके बारे में मैंने आज स्पष्ट रूप से प्रमाण के साथ में आपको नाम सहित उनने जो सूची दी है उस सूची के माध्यम से रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर